भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। कानपुर में भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दिन के पहले दो सेशन में टीम ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 154 रन बनाए। मैच के तीसरे सेशन के खेल में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से एम्पायर को गुस्सा आ गया। बीच मैच को रोकना पड़ा और उसके बाद विवाद खड़ा हो गया। जी हां, आखिरकार न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन भारतीय पारी से इतना क्यों परेशान हो गए कि मानो बेईमानी पर उतर आए। आपको इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे उसके बाद एम्पायर ने क्या कहा, क्या पूरा मामला, क्या पूरा हंगामा हुआ जिसकी वजह से मैच को रोकना पड़ गया। आइए जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में। हाँ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचती रहे। खैर, केन विलियमसन ने ऐसा क्या किया कि देखकर हर कोई हैरान रह गया और एम्पायर ने मैच को रोक दिया और उसके बाद केन विलियमसन को समझाने लगे। यहाँ पर विवाद खड़ा हो गया, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन आइए उससे पहले जानते हैं इस मुकाबले में क्या हुआ। जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को 21 रनों पर पहला झटका लगा। सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल 28 गेंदों में दो चौकों की मदद से 13 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें जेमिसन ने पवेलियन भेजा। लंच तक भारत ने सिर्फ एक विकेट गंवाया था। इसके बाद शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा के बीच दूसरे विकेट के लिए 61 रन की साझेदारी हुई। 52 रन बनाकर आउट हुए और इसके कुछ देर बाद ही बल्लेबाजी कर रहे पुजारा भी 88 गेंद में 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 104 रनों पर 3 विकेट गंवाने के बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे ने कुछ शानदार शॉट्स खेले, लेकिन 35 रन बनाकर रहाणे भी बोल्ड हो गए। भारतीय टीम को 146 रन पर 4 विकेट खोकर मुश्किल में दिख रही थी। ऐसे में टेस्ट में डेब्यू कर रहे श्रेयस अय्यर ने बेहतरीन पारी खेल टीम को संकट से उबारा। साथ ही रविंद्र जडेजा ने भी उनका बखूबी साथ दिया। श्रेयस अय्यर ने 136 गेंदों में 7 चौके और 2 छक्कों की मदद से 75 रन बनाए और जडेजा ने 100 गेंदों खेलकर 6 चौके की मदद से 50 रन बनाकर नाबाद हैं। कीवी टीम के लिए जेमिसन ने 3 विकेट लिए, वहीं टीम सऊदी को भी एक सफलता मिली। खैर, आइए जानते हैं केन विलियमसन को लेकर किस तरह से विवाद और हंगामा हुआ। जडेजा और अय्यर की जोड़ी लगातार रन बनाए जा रही थी और विलियमसन रन गति पर लगाम लगाना चाहते थे। ऐसे में स्पिनर अजाज पटेल को लेग स्टंप पर गेंदबाजी करने का सुझाव दिया। 77वें ओवर में पटेल को बीच में रोककर एम्पायर वीरेंद्र शर्मा ने न्यूजीलैंड के कप्तान को बुलाया। उनको ये बात समझाई कि आप ऐसे नेगेटिव गेम प्लान के साथ मैच को जारी नहीं रख सकते हैं। लगातार लेग स्टंप से दूर गेंदबाजी करने से मैच की लय टूटेगी और ये गेम प्लान के विपरीत भी है, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के। एम्पायर के कप्तान विलियमसन को समझाने के बाद उन्हें गेंदबाज अजाज पटेल से भी बात की। उन्हें भी समझाया कि आप नेगेटिव गेम प्लान के साथ जा रहे हैं और ऐसा करना क्रिकेट नियमों के अंतर्गत नहीं आता है। हाँ, जरूर आप 2-4 गेंदे फेंक सकते हैं, लेकिन आप पिछले कुछ समय से लगातार वही गेंदबाजी किए जा रहे हैं। खैर, केन विलियमसन और अजाज पटेल ने एम्पायर की बात को माना। उन्हें भी पता है कि ऐसा नहीं कर सकते हैं और हम लगातार ऐसा किया जा रहे हैं। फिर उन्होंने स्टंप की लाइन को पकड़कर गेंदबाजी करनी शुरू कर दी। वैसे मैच ज्यादा देर तक नहीं चला, खराब रोशनी की वजह से 6 ओवर पहले यानी 84वें ओवर तक ही मैच की बात खत्म कर दिया गया।